So let's move toward the true false and not given question from 33 to 36. Okay, true false and not given. In the forthcoming games, all the participant will be blindfolded. यानी आने वाली गेम्स में तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ब्लाइंड फोल्डेड ही होंगे, ठीक है जी। वो आंखें बंद करके गेम खेलेंगे, ठीक है जी। हम देखते हैं जी, ऐसा ही है। देखिए, नेक्स्ट मंथ फोर्थ कमिंग, अ चेस प्लेयर नेम्ड तैमूर गौरव विल टेक ऑन, वो उनके साथ मुकाबला करेगा। अ नियरली 50 ओपोनेंट्स, 50 लोगों के साथ एट वंस एक ही टाइम में। बट दैट इज नॉट द हार्ड पार्ट, ये मुश्किल काम नहीं है। व्हेन हिज चैलेंजर्स विल प्ले द गेम्स एज नॉर्मल, उसके जो चैलेंजर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, उसके मुकाबले में वो जो गेम खेलेंगे वो नॉर्मल खेलेंगे, वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होंगे, बल्कि गौरव हिमसेल्फ विल बी ब्लाइंड फोल्डेड। गौरव जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है इन द फोर्थ कमिंग गेम ऑल द पार्टिसिपेंट विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, नहीं वो नॉर्मल होंगे, वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी, गौरव हैज वन कंपिटिशन इन बेस जंपिंग। ये देखिए, ये आपके पास कैपिटल हैं, लेटर्स हैं, ये आपको आसानी से बताएंगे कि आपने कहाँ जाना है, तो आप वहीं पे ही जाएं कि उसने बेस जंपिंग जीती है। ये देखें, ये है आपके पास, ठीक है। ही हैज़ अ फॉन्डनेस फॉर ब्राइट क्लोथ्स एंड अनयूजुअल हेयर स्टाइल, ठीक है जी। उसको बड़ा शौक था जी कि उसके कपड़े रंग बिरंगे हों, गैर मामूली उसका हेयर स्टाइल हो। एंड ही गेट्स हिज किक्स, आप देखें, किक्स जो है एक, वो एक स्लैंग वर्ड है, तो ये बूट को कहते हैं, शूज़ को कहते हैं। तो उसने अपने शूज़ जो थे ना वो लिए फ्रॉम द एडवेंचर स्पोर्ट बेस जंपिंग, से उसने लिए हैं। ही हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड हिमसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर, पहले ही उसने अपने आप को एक चेस प्लेयर साबित किया है। अब देखें कि इसमें गौरव हैज़ वन कंपटीशन जंपिंग, क्या कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि उसने कंपटीशन जो बेस जंपिंग का कंपटीशन है वो जीता है। तो इसके लिए एनजी होगा, ओके। यूएलसी, ये देखिए, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ख्याल में रखना होगी। इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू कैरी आउट रिसर्च इनटू ब्लाइंड फोल्ड चेस, यानी यूसीएलए पहली यूनिवर्सिटी है जिसने ब्लाइंड फोल्ड चेस प्लेयर्स में पर रिसर्च की। तो देखते हैं जी, यहाँ पे यूएलसीए भी दिया हुआ है, ये देख लें, यूएलसीए भी दिया हुआ है ये, लेकिन ये है वो क्या कहता है, सॉरी माजरत, बट गौरव्स प्रोवेस हैज ड्रॉन इंटरेस्ट, ये हमने पहले पढ़ा भी है। कैन परफॉर्म सम मेंटल फीट, रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ UCLA कॉल्ड हिम इन फॉर टेस्ट, उसने उसको टेस्ट के लिए बुलाया। दे नाउ हैव देयर फर्स्ट रिजल्ट, अब उन्हें पहला रिजल्ट मिल गया। द अबिलिटी टू प्ले अ गेम ऑफ चेस विद योर आइज क्लोज इज नॉट फार रीच फॉर मोस्ट अकम्पलिश्ड प्लेयर, यानी आंखें बंद करके खेलना ज़्यादातर जो मुकम्मल प्लेयर हैं उनके लिए भी कोई उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। सेड जेस हु रन्स अ मेमोरी लैब एट UCLA, UCLA में ये रिस्मन जो है वो लैब चलाता है, इसने ये बात कही। बट द थिंग दैट्स सो रिमार्केबल अबाउट तैमूर एंड फ्यू अदर्स, अब देख लें यहाँ तक जो है कि UCLA इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने ये रिसर्च कैरी आउट की है, जिसने ये रिसर्च की है ब्लाइंड फोल्डेड चेस प्लेयर पर। तो ये अगर नहीं की तो इसका मतलब है कि ये एनजी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गुड चेस प्लेयर्स आर लाइकली टू बी एबल टू प्ले ब्लाइंड फोल्ड, गुड चेस प्लेयर्स आर लाइकली, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके अमकानात हैं कि वो जो हैं वो इस काबिल होंगे टू बी एबल टू प्ले ब्लाइंड फोल्ड चेस, कि वो ब्लाइंड फोल्ड चेस जो है वो खेलेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं जी कि गुड प्लेयर्स जो हैं वो खेल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देख लें जरा, अकम्पलिश्ड प्लेयर, यहाँ पे अकम्पलिश्ड प्लेयर की उसने बात की है, तो ये भी अकम्पलिश्ड प्लेयर है हमारे पास। अकम्पलिश्ड प्लेयर कैन डिवेलप द स्किल ऑफ प्लेइंग ब्लाइंड, जो मुकम्मल खिलाड़ी होते हैं वो इस स्किल को पा सकते हैं, स्किल ऑफ प्लेइंग ब्लाइंड फोल्ड इवन विदाउट रियलाइजिंग इट। द नेचर ऑफ द गेम इज टू रन थ्रू पॉसिबल मूव्स, हमने पढ़ा, इन द माइंड टू सी हाउ द प्लेट, फ्रॉम दिस रेगुलर प्लेयर्स डिवेलप अ मेमोरी फॉर द पैटर्न, द पीसेस मेक द डिफेंसेस, वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
यू रिक्रिएट इन योर माइंड, सेट गौरव, अ लॉट ऑफ प्लेयर आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट आई एम. ये देखिएगा, द रियल मेंटल चैलेंज कम्स फ्रॉम प्लेइंग मल्टीपल गेम्स एट वंस इन द हेड. ये देखिए, ये है, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. बहुत से प्लेयर वो कर सकते हैं. गुड चेस प्लेयर्स आर लाइकली टू बी एबल टू प्ले ब्लाइंड फोल्ड चेस. इसका मतलब है कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है जी, तो देखते हैं जी, हम नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास है जी कंप्लीट द समरी, आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट द समरी. ठीक है, तो वन वर्ड ओनली, आपने वन वर्ड ही रखना है. ठीक है, हाउ रिसर्च वॉज कैरीड आउट, रिसर्च कैसे की गई. हम देखते हैं जी रिसर्च कैसे की गई, हमने पढ़ी हुई है रिसर्च. ठीक है, ये देख लें, रिसर्चर स्टार्टेड बाय टेस्टिंग गौरव्स, फॉर एग्जांपल ही वाज रिक्वायर्ड. ठीक है जी, हम देखते हैं जी रिसर्च जब कैरी की गई है इस पर तो फिर क्या हुआ. ठीक है, देख लें जी, यहाँ पे तो रिसर्च ULCA ने की गई है, तो इसमें मेमोरी की भी बात की गई है. ठीक है, तो देखते हैं जी, गौरव्स हैज ड्रॉन इंटरेस्ट प्लेइंग कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग ULCA रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉल्ड. ठीक है, रिसर्च हुई है, टेस्ट हुए हैं उसके मेमोरी के. दे नाउ देयर फ्यू रिजल्ट, द अबिलिटी टू प्ले अ गेम ऑफ चेस विद योर आइज क्लोज एंड योर अकम्प्लिश्ड प्लेयर सेड चेस हु रंस अ मेमरी लैब, मेमरी लैब ULCA. कहीं पर ऐसा जिक्र है कोई, द रिसर्च स्टार्टेड बाई टेस्टिंग गौरव्स, गौरव्स का क्या टेस्ट किया उन्होंने. ठीक है जी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा. ठीक है, तो फिर और देख लें, और कहाँ पे रिसर्च हुई, उज़्बेकिस्तान, नेटिव उज़्बेकिस्तान था वो, यहाँ पे नहीं है. यूनिवर्सिटी ब्लाइंड फोल्डेड, ये है यूरोप. और कम ये देख लें, और कहाँ पे हुई है, यहाँ पे तो हमने भी पढ़ा है, यहाँ पे भी नहीं हुई. हम नेक्स्ट देखते हैं जी कि कहाँ पे हुई है. द साइंटिस्ट, ये देख लें, ये वाला द साइंटिस्ट फर्स्ट, ये देखें फर्स्ट हैड गौरव्स परफॉर्म सम स्टैंडर्ड टेस्ट. ये देखें कुछ उसने, उन्होंने टेस्ट किए हैं साइंसदानों ने. दीज असेस्ड हिज अबिलिटी टू होल्ड नंबर्स पिक्चर्स एंड वर्ड्स. वन क्लासिक टेस्ट मेजर्स हाउ मेनी नंबर्स अ पर्सन कैन रिपीट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. एक तो ये टेस्ट किया गया कि आगे पीछे वो कितने नंबर जो है वो याद कर सकता है. सून आफ्टर हेयरिंग दैम, उनको सुनने के बाद, मोस्ट पीपल मैनेज अबाउट सेवन, कुछ तो सेवन है. ही वॉज नॉट एक्सेप्शनल, वो कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ. रिसमैन, वी डिड नॉट फाइंड एनी थिंग अदर देन प्लेइंग चेस, हमें तो चेस के अलावा कुछ नहीं मिला. दैट ही सीम्स टू बी सुप्रीमली गिफ्टेड एट, ये वो उसको वो गिफ्टेड एट है, बहुत ज़्यादा बेहतर है उसमें. बट नेक्स्ट केम द ब्रेन स्कैन, लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन स्कैन. ठीक है जी, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा. How the research was carried out? The research started by testing Gorgs. For example, he was required to call the string of a, in order to reverse hai, in order also in a reverse order. ठीक है जी, अब देखेंगे. For example, he was the research started by testing Gorgs. उन्होंने Gorgs की कौन सी चीज को टेस्ट किया है ये देखते हैं. ठीक है, बट नेक्स्ट केम द ब्रेन स्कैन विद गौरव्स लाइंग डाउन इन द मशीन, वो मशीन में लेटा हुआ है. रिसमैन लुकड एट हाउ वेल कनेक्टेड द वेरियस रीजन्स ऑफ द चेस प्लेयर्स ब्रेन. ठीक है, अब ये यहाँ पे ये देखने वाले, यहाँ तक भी नहीं आ रहा. द साइंटिस्ट फर्स्ट हैड गौरव्स परफॉर्म सम स्टैंडर्ड मेमरी टेस्ट, ये देखें कौन से उन्होंने किए हैं गौरव के साथ मेमरी टेस्ट किए हैं. देख लें जी यहाँ पे, द रिसर्च स्टार्टेड बाई टेस्टिंग गौरव्स मेमरी. ठीक है, ये समटाइम्स इस तरह का आता है, परेशान आप ना हो. फिर क्या है, फॉर एग्जांपल ही वाज रिक्वायर्ड, उसको रिक्वायर्ड था टू रिकॉल अ स्ट्रिंग ऑफ इन ऑर्डर्ड एंड आल्सो इन रिवर्स. ठीक है जी, ये देखें स्ट्रिंग ऑफ किसकी चीज़ है जो उसने रिकॉल करनी है, सीधे भी और उल्टे भी. ठीक है, यहाँ पे उसने कहा हुआ था, ये देखें बैकवर्ड एंड, तो क्या है, वन क्लासिक टेस्ट मेजर्स हाउ मेनी नंबर्स अ पर्सन कैन रिपीट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है जी, तो नंबर्स हैं जो उसने बैकवर्ड और फोर्थ वर्ड करने हैं. ये देख लें, कहता है वाज रिक्वायर्ड टू रिकॉल अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर एंड, ये देख लें नंबर्स
नंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल तो हिज परफॉर्मेंस वो नॉर्मल, अगरचे उसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल थी, स्कैन शोड एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ विद इन द एरिया ऑफ गौरव्स ब्रेन, अमाउंट ऑफ है विद इन द एरिया ऑफ गौरव्स ब्रेन दैट आर कनेक्टेड विद डायरेक्टिंग अटेंशन। ठीक है जी, तो स्कैन जो है, ऑल दो हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉर्मल, स्कैन शोड एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ, किस चीज़ की अमाउंट है वो स्कैन शो करते हैं। दोबारा से देखते हैं जी, यहाँ पे विद गौरव्स लाइंग डाउन, ये हमने पढ़ा, रिस्मैन लुकड एट हाउ वेल कनेक्टेड, ये देखें हाउ वेल कनेक्टेड वेरियस रीजन ऑफ द चेस प्लेयर्स ब्रेन वर, दो द रिजल्ट आर टेंटेटिव एज येट अनपब्लिश्ड, द स्कैंस फाउंड, ये है स्कैंस फाउंड ग्रेटर देन एवरेज कम्युनिकेशन, ग्रेटर देन एवरेज कम्युनिकेशन। तो क्या फाउंड करते हैं जी, ये देख लें, ऑल्दो हिज परफॉर्मेंस वाज नॉर्मल, स्कैन शोड एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ ग्रेटर देन यूजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये देख कम्युनिकेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एडिशन द स्कैंस रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनयूजुअल स्ट्रेंथ इन द पार्ट्स ऑफ हिज ब्रेन दैट डील विद, मजीद ये जो स्कैंस है उन्होंने एक पॉसिबिलिटी, जो गैर मामूली ताकत है उसके जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में, ठीक है जी, जिनका तल्लक किससे है वो देखते हैं जी, किसके साथ उनका तल्लक है। अच्छा जी, अपने ये देख लें, इट वॉज नॉट ओनली द हिंट, ये नॉट ओनली से मुराद ये है कि एडिशन, ठीक है, स्पेशल इन द स्कैन ऑल्सो सजेस्ट, ऑल्सो सजेस्ट ये भी एडिशन है, दैट गौरव्स विजुअल नेटवर्क, क्या है जी, विजुअल नेटवर्क इज मोर हाईली कनेक्टेड टू अदर ब्रेन्स, मोर हाईली कनेक्टेड, ठीक है जी, विजुअल नेटवर्क की वो बात करता है, किसकी बात करता है, विजुअल इनपुट है। इन एडिशन द स्कैन रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनयूजुअल स्ट्रेंथ इन द पार्ट्स ऑफ हिज ब्रेन दैट डील विद विजुअल, विजुअल, ये देखें, मजीद स्कैन ने इस अमकान को उठाया ऑफ अनयूजुअल स्ट्रेंथ, गैर मामूली ताकत के अमकान को बताया, इन द पार्ट्स ऑफ हिज ब्रेन, उसके दिमाग के हिस्सों में, दैट डील विद, जिनका तल्लक है विजुअल नेटवर्क से। ठीक है जी, तो आप ये देखें जी, यहाँ पे ये वाला, दिस कैन ऑल्सो सजेस्ट दैट गौरव्स विजुअल नेटवर्क इज मोर हाईली कनेक्टेड, मोर हाईली कनेक्टेड टू अदर ब्रेन पार्ट्स देन यूजुअल। ठीक है जी, तो विजुअल नेटवर्क जो है ना वो एज यूजुअल की नस्बत जो है वो डील करते हैं किसके साथ, विजुअल इनपुट के साथ। तो ये था हमारा गौरव्स तैमूर, गौरव्स ब्लाइंड फोल्डेड चेस जो है, ये देखें, ठीक है जी, तो ये बुक 4 है रीडिंग की, टेस्ट रीडिंग 3 है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।